अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 10.6 से लेकर 10.10 तक। 10.6 शॉर्ट क्वेश्चन में बात हो रही है कि एक कहता है एक ऐसी वेव्स बनाएं, एक ट्रांसफर वेव्स कंस्ट्रक्ट करें, एक डायग्राम बनाएं जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो और वेवलेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो। वो कह रहा है कि एक ऐसी वेव बनाएं जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो और वेवलेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो। मतलब ये है कि जो वेव की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर हो और जो दोनों क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो हमने ट्रांसफर वेव्स बनानी है, तो ऊंचाई हमने बनानी है 2 सेंटीमीटर। अब मेरे हम स्केल यानी हम आइडिया बना लेते हैं, लेकिन आपने स्केल साथ बनाना है, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और उतना ही नीचे आएंगे और इनका जो आपस में डिस्टेंस होगा ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड और ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और ये है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं इसको लेबल भी करना है। अब जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोल देते हैं ट्रफ और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको बोल देते हैं क्रस्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं मेन पोजिशन या फिर मेन लाइन, ठीक हो गया। चले इसके बाद 10.7 में वो क्या कहता है, 10.7 में वो कह रहा है डिराइव अ रिलेशन, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड का रिलेशन निकालना है। रिलेशन ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो इसको दोबारा हम कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी मूव करती है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है उसकी स्पीड का, लेकिन जब वेव की बात आती है तो जो डिस्टेंस होता है वो रिप्लेस होता है लैम्डा से, जो टाइम होता है वो रिप्लेस होता है टाइम पीरियड से। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। तो हमारे पास जो टी एफ होता है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, तो इसकी जगह पर ये हम पुट करेंगे तो बनेगा वी इज इक्वल टू 1/λ मल्टीप्लाई लैम्डा और ये हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिलेशन, ठीक, और रिलेशन आपने ये बुक से अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। 1.8 में वो कह रहा है कि जो वेव होती है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है और इसकी कोई एग्जांपल हमें दे। 10.8 वेव मीन्स ऑफ एनर्जी, इसकी कोई एक्टिविटी बताएं, ठीक। अब एक्टिविटीज क्या मैंने बतानी है वो हमारे डी डिस्कस कर चुके हैं कि वेव्स कैरीज ऑफ एनर्जी, ये आपने वहां से क्लियर कर रहे हैं, पूरा टॉपिक आपने वहां से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जी 10.9, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, ये मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स के बाद है एनर्जी वेव्स कैरीज एनर्जी, ये वाला वो है, वो आपने कंप्लीट वहां से कर लेना है। इसके बाद 10.9 में पूछ रहा है ये हमने एक्सप्लेन करना है रिपल टैंक में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने वो एक कह रहा है वो आपने करना है रिफ्लेक्शन को, फिर वो कह रहा है रिफ्रैक्शन को, फिर वो कह रहा है जी डायफ्रैक्शन को, ठीक है। और ये तीनों हम रिपल टैंक वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं और ये आपने इनकी डेफिनेशन की डायग्राम आपने रिपल टैंक वाले टॉपिक को हमने पढ़ा हुआ है उसमें से तीनों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 10.10। अब इसमें वो कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। वो कहता है जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो क्या उस वेव की वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है, अगर नहीं होती तो रिलेशन क्या है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा जो है वो डिवाइड हो रहा है अब मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ का डिवाइड हो जाएगा वी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ, इसको रीअरेंज करेंगे तो एफ इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। अगर हम वी को कांस्टेंट मान लें तो बनेगा वी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बोथ आर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज वेवलेंथ डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा, ठीक, और वाइस वर्सा यानी कि इसका उल्टा हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। सो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तब तक के जस्ट